Hi, I'm Shivangi Joshi and you're watching Barsatein. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more from Barsatein. बहुत पैसे कमाए ना दुबे इस कहानी से, लेकिन कच्चे खिलाड़ी निकले आप, छुपा नहीं पाए. मैडम, मैं तो आपका वफादार हूँ, वो तो उस लड़की की वजह से. रहने दीजिए, ऑफिस जाइए, विवेक आपका इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड मेंबर्स के सामने स्टेटमेंट दीजिए कि वो वीडियो आपने लीक किया. जैसा आप कहें मैडम, पर अब तो उस लड़की का वीडियो सबने देख लिया है, माफी मांगने से. माफी मांगेगा और सबके सामने मांगेगा, फिर तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा क्या? और एक बात, अब आपकी कहानी चेंज मत कीजिए, वरना कादंबरी देवी की असली पावर आप देखेंगे. पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको कभी काम नहीं मिलेगा. चल चल. अरे चाइनीज टॉर्चर सुना तूने? किस किस के मारूंगा बाबा. मैंने मम्मी जी को सब बता तो दिया, गलती हो गई, अब आप क्यों? अरे ओए, उससे पहले मैं तेरे हलक से जुबान निकाल दूं ना. उगल, रिकॉर्ड कर उसका सेटमेंट. मैं एक्चुअली हे सुनाने के ड्रॉ से तूने निकाल दिया चिप. ब्रॉडकास्ट सिक्योरिटी बीच तो बहुत बड़ी बात है, पर तूने उस लड़की की सारी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी. उसके माँ ने, उसके बाप ने, उसके दोस्तों ने, पूरी दुनिया ने उसकी वीडियो देख ली है. तूने उस लड़की को कहीं का छोड़ा नहीं. बाबा, उस लड़की ने आपको धोखा दिया है. चक्कर अरे 2200 माले से ना तुमको नीचे फेंकूंगा, हड्डियां भी नहीं मिलेगी. आराधना, मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ ना, वो हमारी बात थी. मैं नहीं चाहता तू जैसे कीड़े उसकी जिंदगी बर्बाद करे. मार डालूंगा, समझ में आया? क्या कर रहे? छोड़ उसे रेयान. छोड़ूंगा नहीं इसको. इसने आराधना की वीडियो पूरे टेलीविजन में दिखा दी. वन एक मिनट रे, एक मिनट बॉस, इसका स्टेटमेंट लो. दुबे, बाहर पुलिस आई है, चुपचाप से अपना स्टेटमेंट दे दे, वरना मैं खुद लटका दूंगा तुझे. रे बाहर चल, बाहर चल रे, तुझे कुछ दिखाना है. यही है सब फसाद की जड़, इसी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, और आज ये ही सब कुछ बताएगा हम लोग को. आज सबका ना फैसला हो ही जाए. ये मयंक, इसने तुझे झूठ बोला था, आराधना इसके होटल रूम में इसे मिलने नहीं गई थी. अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं बुलाओ रे? एक लड़की एक लड़के को होटल रूम में क्यों मिलने आती? बता दे सबको, बता दे सच, ये रेवती को ब्लैकमेल कर रहा था. याद है वो इटकी कृष्णन की बहन? आराधना इसके होटल रूम में गई थी क्योंकि उसे रेवती के फोटोज और वीडियोस चाहिए थी उसे बचाने के लिए. इसने तुझे भड़काया है रे, छूटा है ये साला. तो आराधना ने इसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था. तू बोलता क्यों नहीं? बोल वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा. कैमरा रेडी करो, ये आज लाइव न्यूज पे अपना गुनाह कबूल करेगा. क्या लाइव? चल भाई स्टेटमेंट दे दे, वरना बड़ा लंबा केस बना दूंगा तेरे पे, समझा? बोल सच क्या है? मैं बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ. नहीं रे, इसका स्टेटमेंट हम लाइव न्यूज पे ही करेंगे. ये बहुत बड़ा पलटू है साला, कभी भी झूठ बोल सकता है ये. बोल. मेरा नाम मयंक है. मैं और आराधना एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं. हम लोग पहले टच में थे, उसके बाद काफ़ी सालों तक हमारी बातचीत नहीं हुई. उसके बाद मेरी ज़िंदगी में रेवती आई. हाँ, मैंने टाइम स्पेंड किया उसके साथ, मेरे पास उसके कुछ फ़ोटोज़ थे, इसलिए मैंने उसे धमकी दी कि मुझसे ब्रेकअप ना करे, नहीं तो मैं ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सबको दिखा दूँगा. मैंने इसीलिए उसे उस दिन होटल रूम में बुलाया, लेकिन वो नहीं आई, उसके बदले आराधना आई. आराधना मुझसे वो फोटोज लेने आई थी. आराधना चाहती थी कि मैं वो फोटोज एक तो जला दूँ या तो उसे दे दूँ, ताकि रेवती प्रॉब्लम में ना आए. आराधना ने मुझे समझाया और मैं समझ गया. मैंने उसे फोटोज दे दिए रेवती के, और मैंने फ़ोन में से भी सारे फोटोज और वीडियोज डिलीट कर दिए. अब मेरे पास रेवती का कुछ नहीं है.
मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आज मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है। देखा आप लोगों ने एक औरत की असलियत। अरे भाई कोई मेरी भी कंप्लेन लिखो। एक मर्द को न्याय चाहिए। ऐसा नहीं। आउट ऑफ माई ऑफिस एंड आउट ऑफ माई लाइफ। शू ब्लडी डिस्गस्टिंग टॉक्सिक। तू इस लायक ही नहीं है कि तुझसे कोई प्यार करे। आराधना ने तेरे लिए क्या नहीं किया और तूने उसके बदले? तू प्यार करने के लायक ही नहीं है। जिस लड़की ने मुझे समझा, मुझसे प्यार किया, मैंने उसी को सबके सामने जलील कर दिया। नहीं करना चाहिए था मुझसे प्यार। राधी, विक्रम का कॉल था, मयंक ऑफिस में आया हुआ है, तू भी चल। विक्रम उसका कन्फेशन ले रहा है, तू भी साथ में ऑफिस चल। रियांश को सच पता चल गया। हाँ, विक्रम ने उसे सब कुछ समझा दिया है, बल्कि उसने तो यहाँ तक बता दिया है कि तू मयंक से रेवती के लिए मिलने गई थी। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी है, तू बस ऑफिस चल और उस इडियट से सॉरी बुलवा। दी, कल मैं आपसे मिलने के बाद मैंने मम्मी डैडी की बातें सुनी। आपने झूठ क्यों कहा उसे कि उसकी माँ मर चुकी है? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो उस औरत के पास जाए और उसकी बदनामी से जुड़े। पर आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने उसे अलग किया। मैंने उसे 25 साल पाला भी है। मुक्ति, मैं नहीं चाहता कि वो उस औरत से मिले। और ये वही चिट्ठी है जो उस रोज किसी बेकरी से आई थी। मम्मा ने इसे अपनी अलमारी में छुपा रखा था। पता नहीं किसी मिम्मी ने लिखी है। कैसी हो? सालों बाद तुम्हें खत लिख रही हूँ। कैसी हो? मैं जानती हूँ तुम जवाब नहीं दोगी, पर अपनी तरफ से ये चिट्ठी भेजना। What a party! अगर बेस्ट फैमिली का कोई अवार्ड होता ना तो हमें और हमारे बच्चों को ही मिलता। क्यों ना हो, सारे बच्चे मुझ पे जो गए हैं। मिमी के? कौन है मिमी? एक कागज पे लिखा हुआ एक नाम, ये है मेरी जिंदगी का सच। एक ही तो चीज होती है दुनिया में जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, एक माँ का अटूट प्यार। और मेरा तो वो भी दो बार छिन गया। कौन है ये मिमी? हाँ, जिनका पूरा नाम तक नहीं पता मुझे। अरे, जिसने अपना एड्रेस तक नहीं लिखा इसमें। क्या करूं ऐसे आधे अधूरे सच का मैं? क्या करूं ऐसी आधी अधूरी माँ का? I'm proud of my girls. They are strong women. जिंदगी में कोई भी मुकाबला आए ना, वो उनका डट के मुकाबला करेंगी। My daughters are mama's girls. वो कहीं भी जाएंगी ना, याद रखा, सबसे पहले मेरे पास ही आएंगी, चाहे वो उनका पहला वोंड हो या पहला हार्ट ब्रेक। They will come to me first. राधी देख, तू चिंता मत कर, ये देहरादून की मिमी जो भी है हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। और जैक्स, तू तो गूगल क्वीन है ना, उसको आराम से पता लग जाएगा, ठीक है? हम पता लगाते। तू प्लीज रो मत। हां, आप प्लीज चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ही। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इस आदमी पर तो केस होना चाहिए। लड़की की मर्यादा भंग करने का केस तो होगा इस पे, लेकिन ये जो लड़की है जिसका फोटो लिया है
उसका स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर, हम उसके टच में, जैसे जरूरत होगी वो अपना स्टेटमेंट देने आ जाएगी। वो नहीं आएगी। क्या? वो लड़की नहीं आएगी। तू ना ज्यादा हीरो मत बन, और ये जो तूने अभी बोला है ना, ये सब कुछ तेरे खिलाफ यूज होगा। अपना नहीं, कम से कम अपनी बीवी के बारे में तो सोच। इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा वॉशरूम जा कर रहा हूँ। नहीं, चुपचाप से यहाँ खड़ा रहे। अरे भाई, वॉशरूम जाना है, अर्जेंट है यार। ठीक है, जाओ। और हाँ, भागने का ना सोचना भी मत। नहीं भागूंगा। जाओ। छोड़ोगे भाई? हाँ। रेवती उस दिन मेरे घर आई थी, कुछ परेशान सी थी। आराधना ने उससे बात भी की थी। वो गॉड, मैं कैसे इतना बेवकूफ बन गया। आराधना, आई एम सो फिर से आ गया। देख, मेरे ना सर पे खून सवार है, मैं तेरा खून कर दूंगा। बुरा लग रहा है आराधना के लिए? बुरा लग रहा है? आपको अपने आप के लिए बुरा लगना चाहिए ब्रो। आपको नहीं पता उसने क्या किया है, कितनी चालू है। तमीज से फिर से बोल रहा हूँ। ये देख रहा है, ये कर करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने, सॉरी आपके दोस्त ने। झूठा ब्रो, मेरी फैमिली है, वाइफ है, मैं नौकरी करता हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, मैं क्यों किसी को ब्लैकमेल करके फंसाऊंगा? सोचो यार। ये मिमी नाम किसी इन्फ्लुएंसर का नहीं लग रहा है? दी, उस बेकरी में फोन करके देखे क्या? पीपी नंबर होगा ना। पीपी नंबर क्या है? अरे मेरे मोबाइल फोन के जमाने की बिगड़ी हुई औलाद, पहले के जमाने में लोगों के घरों में लैंडलाइंस नहीं होते थे, तो पड़ोसियों का नंबर यूज करते थे, तो पड़ोसियों का नंबर पीपी नंबर। व्हाट जमाने का नंबर? दीर चैक्स। दी, आप उदास मत हो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, आपकी रियल मम्मा जरूर मिलेगी। राधे, टेंशन मत ले, मिल जाएंगे, हम ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? मैं आपकी गर्लफ्रेंड खुद चलकर आई थी होटल रूम में मेरे पास। उसके बाद पता क्या हुआ? आपका दोस्त वो जका जासूस और उसकी टीम जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए, मेरी बीवी को भड़काया, उसके बाद मुझे धर लिया और मुझे धमकी दी कि जो बोलने बोला है वो बोलना चुपचाप कैमरे के सामने, नहीं तो तुझ पे रेप का चार्ज डाल देंगे। भाई कौन जाना चाहेगा अंदर रेप के केस में? आराधना, दादी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे झूठ कहा। तेरे पापा इतने नाराज है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनके सामने कुछ कहने की। तू भी सोचती होगी ना कि कैसी माँ है ये, पर सच ये है कि जोर पड़ गई। मैं तेरे लिए नहीं लड़ पाई, कमजोर पड़ गई। चलो मान लेते कि मैं थोड़ा सा बुरा इंसान हूं, मान लेते हैं कि मेरा रेवती के साथ कुछ था, हम दोनों का था। आराधना क्या कर रही थी उस दिन मेरे होटल में? सोचो, मर रही थी मुझसे मिलने के लिए। आपका फोन आया था, उसने आपसे क्या कहा? कि वो अपने पापा के साथ है। I was standing right there, I know. She lied to you. कब फ्री होगी? डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ मैं, करती हूँ कॉल। तो कहानी बता रहा? आपको नहीं पता, औरत जब झूठ बोलने की बारी आई ना, किसी भी हद तक जा सकती है। क्या तो पिटेगा बहुत। चलो मैं प्रॉब्लमेटिक था, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर भी रहा था, तो वो आपसे मदद मांग सकती थी ना। बैठ, तुझसे बात करनी है। मैं आपकी अपनी नहीं हूं ना मम्मा। दादी तुझे सीने से लगा के रखा उम्र भर, तू मेरे ही है, पर दादी नहीं मानेंगे, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो अपनी जिद पे अड़े हैं, और मैं दादी, तू और हर्ष दोनों, मतलब मैं। आप जाओ उनके पास।
आप लोगों का न्यूज चैनल है तबड़ा, मीडिया वाले हो आप लोग, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर भी वो अकेले मुझसे मिलने होटल रूम में आई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझे अपने पहले प्यार को अब तक भुलाने, मैं नहीं, वो, मैं तो भूल चुका हूं उसे, कब का वो मुझे भुला नहीं पाई है, वो आज भी मुझसे प्यार करती है। मैं कैसे समझाऊं यार तुम्हें, मुझे एक बात बताओ, अगर वो इतनी सच्ची है तो वो आज मेरे लाइफ कन्फेशन में क्यों नहीं आई यहां, वो तुमसे मुंह क्यों छुपा रही है? थिंक, क्योंकि वो तुम्हें फेस नहीं करना चाहती है ब्रदर। जब वो मुझसे मिलने आई थी ना, मैंने उसे समझाया कि यू आर अ गुड चॉइस फॉर हर, तुम अच्छे हो, रहे उसके साथ, कमिटेड रहे। आई डोंट बिलीव कि वो अभी चेंज नहीं हुई है। आई एम सॉरी ब्रो, आई नो इट्स वेरी टफ फॉर यू, लेकिन बिलीव मी, गर्ल्स लाइक आराधना किसी भी हद तक जा सकती है किसी को गिराने के लिए। देखना यार, मुझे जेल भिजवा दिया। डैडी जब गुस्सा होते हैं ना तो बहुत उदास भी होते हैं। आप जाइए उनके पास, मैं मुझे बस बस राधी, तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताती हूँ मैं। मिम्मी मेरी दोस्त थी, स्कूल कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तेरी तरह, बहुत जिंदा दिल, बिल्कुल तेरी तरह। हमारे ग्रुप में सबसे हिम्मत वाली मिम्मी थी, एक दिन अचानक वो तुझे ले आई और उसने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी नहीं हो। मैंने विश्वास कर लिया था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं। ओए, बहुत हो गया तेरा सुसु, चल अब। अरे साहब, अभी आदमी सुसु भी नहीं करे। ओए, कम बोलो, निकल यहां से। तू क्यों इतना उछल रहा है भाई? इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे। चल ब्रदर, सोचिएगा। ए चल ना, बोला है वो सोचिएगा। क्या कहा उसका मीना ने तुझसे? हाँ, कहीं तू उसकी बातों में तो नहीं आ रहा ना? मिम्मी ने मुझे कई बार लिखा, तुम्हारा हाल पूछा, मैंने भी उसे बताया, फिर हर्ष ने मुझसे वादा लिया कि मैं उसे कभी नहीं लिखूंगी। वो नहीं चाहते थे कि मिम्मी का साया हमारी जिंदगी पे पड़े, तो बस मैंने भी उसे लिखना बंद कर दिया और उसके भी खत आने कम होते गए। ये सारे लेटर्स तुम्हारी माँ ने, मिम्मी ने तुम्हारे लिए लिखे हैं। राधे, तू हमेशा मेरी ही रहेगी, पर वक्त ने हमें जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, मैं तेरी मां नहीं बन सकती। मैं तुझे तेरी मां के हाथों सौंप रही हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू खुद को बिन मां की बेटी समझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.